সেই মাটনটা দেখে কি মনে হচ্ছে, কোথায় আছি? ডি বাপি বিরিয়ানি ফ্রম বারাসাত। ওয়েলকাম টু ডি বাপি বারাসাত ব্রাঞ্চ। এখনো মকটেল কাউন্টার আমি সাজিয়েছি, বাট আমি স্টার্ট করতে পারছি না, করবো 4-5 দিনের মধ্যে। আর এটা হচ্ছে ওয়েটিং আছে আমার, আর এটা হচ্ছে আমার ডাইনিং মেন বিরিয়ানি খাওয়ার জায়গা। ফুল এসি আছে, এটা সিটিং ক্যাপাসিটি 100 আছে। ইয়ে মটন কষা 320, ইয়ে মতলব এসা পিসেস হ্যাঁ, ये सब ये 4 पीस होगा, एक करके 4 पीस होगा। ये लीवर, मतलब लीवर फ्राई, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, एक बार ख़त्म हो भी गया। ये पूरा काचा लंका का बनता है, ग्रीन चिल्ली का बनता है पूरा। ये चिकन है, ये चिकन चिकन कौशा 250, एक प्लेट में 4 पीस रहता है। और ये है स्पेशल है कीमा, ये पूरा ग्रीन चिल्ली का ही बनता है कीमा। ये हमारा हम लोग का स्पेशल मटन बिरयानी, मटन 320, चिकन 220। इस दिखाओ। बिरयानी डी बापी बारासात। ये होता है डी बापी का मटन का पीस। और ये राइस देखिए, ऊपर में सादा राइस और अंदर में ये है मसाला वाला राइस। चलो, और यहाँ पर है आलू। फटाफट, देर नहीं करना है भाई, पहला बाइट ले लेते हैं। भाई कोई भी बिरयानी का चांद जो होता है ना, वो है फ्लेवरफुल राइस। अगर इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। जिस राइस में फ्लेवर रहेगा, यू नो, मटन स्टॉक का फ्लेवर, गरम मसाला, बिरयानी का जो मसाला है उसका फ्लेवर, भाई लवली। ये राइस और आलू है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब आपको यदि चाहिए वो लोग देंगे। आलू पे आते हैं, एकदम जस्ट बांग्ला में बोलते नरम तुले, एकदम नरम, पकड़ने से ही टूट जा रहा है। चलिए, आलू से राइस। कलकत्ता बिरयानी में जान जो है ना, वो है आलू। मटन का जितना हैसियत है बिरयानी में, आलू का भी उतना इज्जत है। चलो मटन ट्राई करते हैं। निकल के जा रहा है भाई, बस टूट गया, प्रेस नहीं कर रहे, बस ऐसे ही टूट जा रहा है। बहुत ही बढ़िया रेवाजी पीस, पिंकिश कलर का मटन, अच्छे से पकाया हुआ चर्बी। चलो मटन एक बार ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो डी बापी और दादा बोधी में फ़र्क नहीं कर पाते। मैं एकदम सीधा साधा, एकदम एक ही पॉइंट पकड़ के चलता हूँ, वो है दादा बोधी बिरयानी का राइस जो है वो मसालेदार है, और डी बापी का राइस जो है वो थोड़ा हल्का, मसाला जो है उसमें कम है। उन लोगों का खुद का मटन का दुकान है, वहाँ से मटन जो है सप्लाई होता है। ये है रियाजी वाला पीस, उसके साथ राइस थोड़ा सा लोगे ना आप। डी बापी में आके आप सिर्फ मटन बिरयानी लो और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे आप खाते रहो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों ने लिए हैं चिकन चाप। ये है कुछ साइज चिकन चाप का, आप देख लो। पहले तो थोड़ा ग्रेवी से ट्राई करेंगे। ये जो ग्रेवी है ना चिकन चाप का, तो मुझे ना बहुत पसंद है, और ये मैं जब भी आता हूँ ट्राई करता हूँ ये खाने के लिए। एकदम इजी तरीके से इसको बनाया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ मतलब एक्स्ट्रा इधर उधर का चीज़ नहीं डालते, एकदम सिंपल सा मसाला डाल के इसको पकाया जाता है।
साथ में देखो पुदीना वाला चटनी, ये आप ना अभी पकड़ लो, ये मैंडेटरी हो गया। पहले तो डी बापी और दादा बोधी में ये देते थे, लेकिन अभी हर जगह मिल रहा है भैया, अलग ही टेस्ट है। ओ भाई सब कितना नरम है ये पीस। राइस के साथ थोड़ा एवरग्रीन कॉम्बिनेशन, मटन बिरयानी विथ चिकन चाप, याद रखना भैया। यहाँ पर है मटन लिवर फ्राई, जो यहाँ का स्पेशलिटी है। या आप यदि हमसे पूछोगे कि डी बापी में जाके स्पेशल कौन सा डिश लेना चाहिए, तो ये बजट के अंदर है चीज़। पीसेस काफ़ी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला है और चीज़ भी है मज़ेदार। यहाँ पर ना ये मिर्चा जो है आखिर में डाला जाता है, और ये मिर्चा का अलग ही एक फ्लेवर निकल के आता है ना, थोड़ा ये जो मुस्लिम घराना है ना उस जैसा टच फील आपको मुंह में जाके मिलेगा। एकदम फ्रेश, हल्का एक फ्लेवर, ग्रेवी उतना यू नो हैवी नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। लीवर, हाँ ये देखो भैया लीवर, एकदम फ्रेश एकदम फ्रेश। चलिए फटाफट जो है खाना ख़त्म करते हैं, खाना ख़त्म करके आपको लेकर चलते हैं किचन पर, कारखाना किचन तो नहीं है सर, मेगा फैक्ट्री पर जहाँ पर बिरयानी बनते हैं। तो जी बिरयानी था बहुत ही मज़ेदार, और उसके साथ जो सर लीवर फ्राई हमने खाए, ओह क्या बात है। तो ये एक बहुत ही हाईली रिकमेंडेड एक आइटम है लीवर फ्राई। अभी हम आए हैं कारखाना के अंदर, मतलब मेगा फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ का सबसे खास बात है ना, यहाँ पर लकड़ी से खाना जो है उसको, बिरयानी जो है उसको पकाया जाता है। ये देखिए हंडिया, हाँ वो आफ्टर वो होने के बाद हंडिया बैठेगा दम पे, और ये दो जो चूल्हा है, इस दो चूल्हा में ना पूरा का पूरा बिरयानी जो है प्रिपेयर होता है। तो फटाफट एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर है उस्ताद जी। उस्ताद जी अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप तो बहुत फेमस हो मेरे चैनल पे, तो बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। बस 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 उस्ताद जी जो है बहुत ही कम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ का सबसे स्पेशलिटी ये है, हमने सुने कि यहाँ पर जो मसाला आप बिरयानी में डालते हो वो डॉली दी का खुद का, यू नो खुद का एक प्रिपरेशन है मसाला का, खुद अपना हाथ से यूज़ करती है एकदम। जैसे कि आपको पता है कि डॉली दी एक फूडी है और उनको बिरयानी खाने का बहुत शौक है, और उसी शौक के वजह से आज इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिए बापीदा ने। तो एक काम करते हैं, आप एक काम कीजिए ना, आज आप खुद से ना वो पूरा बिरयानी का प्रिपरेशन दिखा दीजिए, ठीक है। बिरयानी का मटन है, बिरयानी पीस, साइज कितना है? 200 ग्राम। चावल जा रहा, चावल 13 kg, 13 kg, 13 kg। मटन का रस, प्याज रस, हाँ दूध है, दूध दे, अदर तो दे। ये बिरयानी का मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला। खट्टा दही, ग्यारह खोआ खीर, मावा 200 ग्राम, 13 kg चावल जाएगा, केवड़ा पानी, गुलाब पानी, अच्छा सब मिक्स करके, हाँ मिक्स है, जफरान का पानी है, जफरान का पानी, यस। चलो ये बार जा रहा सील पैक, कितना घंटा के लिए इधर? 10 मिनट रहेगा। जो बिरयानी है आ गया है दम पे, दादा कितने मिनट के लिए दम पे जाएगा? 35 मिनट क्या रहेगा, 35 मिनट यहाँ पर दम पे रहेगा कोयले के आँच में। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, यदि वीडियो अच्छा लगे क्या करना पड़ेगा वीडियो को, एक बस एक लाइक कर दीजिएगा, तब हमको समझ में आ जाएगा
दिल में संतुष्टि मिल जाएगा। चलिए ऐसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया नया नया खाने का जो इटरी हिडन जेम है या फिर यू नो फेमस खाने का जगह है वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे और वहाँ का खाने का जो जायका है आपका शेयर करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।